हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा द्विवेदी और आज की वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 10.2 मीन सेक्शन फार्मूला के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या होता है और इसका यूज कहाँ पे होता है, इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है 7.2 उसकी हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जैसे बताया वो तो ज़रूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी सेक्शन फार्मूला के बारे में। सेक्शन फार्मूला क्या होता है और इसका यूज़ कब किया जाता है। ये देखिए, जो हमारा सेक्शन फार्मूला होता है वो किसी भी लाइन के जो सेक्शन होते हैं, सपोज एक लाइन सेगमेंट है और उसको हमने सेक्शन, सेक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, अलग अलग उसमें डिवीजन। ठीक है, अगर हमने एक लाइन को इसको डिवाइड किया इसमें इस टू दो पार्ट्स में, ठीक है, इसको हमने सेक्शन बना दिया ना, दो अलग अलग सेक्शन में इसको डिवाइड करते हैं, तो उसी सेक्शन के लिए हमारा सेक्शन फार्मूले का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इन दोनों के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। ठीक है, लाइक हमारा एक्स वन हो गया वाई वन, कोऑर्डिनेट्स हमारा किस में होता है, एक्स और वाई के फॉर्म में होता है, तो ये एक पॉइंट है, तो ये एक्स वन और वाई वन हो गया, ये एक्स टू और वाई टू हो गया। अब ये जो सेक्शन हुआ है यहाँ पे, मतलब जहाँ पे इसका डिविजन हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। मींस किसी भी चीज का, किसी भी लाइन का जब सेक्शन किया है, जहां पे हमने डिवीजन किया है, जहां उसको सेक्शनड किया है, उसको पार्ट्स में अलग उसमें डिवाइड किया, तो उस पॉइंट का, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम इसमें सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये किस उसमें डिवाइड हुआ है, ये हमारे कहलाते हैं रेशियोज। सपोज ये वन है और इसका टू, मतलब वन इज टू टू रेशियो, ये रेशियोज है। ठीक है, कितने सेक्शन में डिवाइड हुआ है, किस रेशियो में। ठीक है, जैसे सपोज एक लाइन है उसको हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, हाफ उसमें, ये इसका एक पॉइंट है, ये इसके हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ठीक है, और इसका जब ये हाफ उसमें डिवाइड है तो इसका रेशियो क्या होगा, वन इज टू वन। ठीक है, वन इज टू वन रेशियो होगा, एक पार्ट यहाँ एक पार्ट यहाँ, वन इज टू वन रेशियो में। तो इस तरीके के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सेक्शन के हम सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। अब सेक्शन फार्मूला होता क्या है वो मैं बता देती हूँ, आपकी बुक में गिवन है, अगर आपकी बुक में नहीं गिवन है तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, अगर आपको नहीं पता तो। देखिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये m1 क्या है और ये m2 क्या है, ये है हमारे रेशियोज। क्या है, ये हमारे रेशियोज कि किस रेशियो में जो लाइन है उसका सेक्शन किया गया है। ठीक है, उसको हम कहते थे कि सेक्शन क्या होता है, जैसे आपकी क्लास है, क्लास के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, मींस एक क्लास को हमने कई उसमें डिवाइड कर दिया है अलग अलग उसमें, तो उसी का हम कहते हैं सेक्शन। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज है, तो इससे हमारा क्या निकलेगा, एक एक्स, एक्स की वैल्यू निकलेगी, मतलब ये जो जो सेक्शन पार्ट है उसका एक कोऑर्डिनेट निकलेगा। ऐसे ही कुछ लोग डायरेक्ट कर देते हैं तो ये कॉमा लगा देते हैं, क्योंकि ये तो हमारी पूरी एक्स की वैल्यू हो गई, और जब कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो कॉमा लगता है और वाई की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे ये सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। सेम ऐसे ही ये हमारे एक्स कॉमा वाई निकल जाएंगे इससे, जब अगर हम ये कर देते हैं, ये हमारा वाई। आई होप आपको समझ में आया सेक्शन फॉर्मूला। आप चाहें तो x इज इक्वल टू करके इसको अलग, और y इज इक्वल टू करके इसको अलग भी निकाल सकते हैं, अगर कहीं पे डायरेक्ट इस कोऑर्डिनेट की जरूरत है तो डायरेक्ट ये चीज लगा के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कई जगह कई तरीके से सिखाया जाता है, तो अगर कई जगह बोला है x इज इक्वल टू एम वन एक्स टू, तो इसका मतलब वही है। ठीक है, या तो x इज इक्वल टू करके लिखिए या y इज इक्वल टू, या फिर x कॉमा y इज इक्वल टू, मैं पूरा दोनों को, दोनों फॉर्मूला को कॉमा में लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें एक और स्पेशल केस होता है, वो होता है मिड पॉइंट।
मिड पॉइंट के लिए, ठीक है। अब मिड पॉइंट के केस में क्या होगा, मिड पॉइंट के केस में यही होगा जो सेक्शन जो लाइन हमारी डिवीजन होगा वो किस में होगा, मिड पॉइंट मतलब हाफ हाफ उसमें डिवाइड होगा, इक्वली डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो मैंने केस यहाँ बताया था वही केस है ये, बट इसके लिए एक शॉर्ट में फॉर्मूला बना दिया है, फॉर्मूला बना इसी से है बेसिकली, ठीक है। लेकिन लोग उसको याद कर लेते हैं कभी भी मिड पॉइंट की बात हो या इक्वल रेशियो में डिवीजन की बात हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाता है दिस एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू और वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, ठीक है। ये हमारे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकल जाते हैं, बट आप चाहें तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करके भी निकाल सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। बट लोग इजिएस्ट वे के लिए इसको कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन क्या है 7.2 का, इसको देख लीजिए। सी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो ऑफ दिस, क्या बोला है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसके, उस पॉइंट के व्हिच डिवाइड्स द जॉइन जो कि इस से और इस रेशियो को ज्वाइन करने के बीच में, जो इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब जिससे सेक्शन हुआ उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और रेशियो में दिया है वही चीज है, ठीक है। तो एक सपोज ये ज्वाइन थी लाइन, ठीक है, इसकी रेशियोज क्या दिए हैं -1.7 और इसके रेशियोज क्या दिया 4.-3। अब क्या बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों के जॉइन को जो कि डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट के, तो एक्स कॉमा वाई। अब रेशियो क्या है 2:3, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, एक्स कॉमा वाई लिखना है, ठीक है, इज इक्वल्स टू m1 x2। फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला लिख लो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये क्या निकल गया x कॉमा y। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे m1 हो जाएगा 1, m1 हो जाएगा 2 और x2 हमारा क्या हो जाएगा, ये x1 है और y1, x2 हो जाएगा 4, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस m2 हो जाएगा 3 और x1 हो जाएगा -1। आप देखिए सेम बिल्कुल कुछ नहीं किया, समझ में आ रहा होगा आपको, मैं यहाँ फटाफट से वैल्यूज पुट कर रही हूँ, m1 हो जाएगा 2, y2 हो गया -3 प्लस m2 इज 3, y1 हो गया 7, माइनस ये देखिए 3×1=3, अब ये 3 हो गया, प्लस माइनस इज माइनस अपॉन 2+3 इज 5, ये हो जाएगा -6, 7×3=21 अपॉन 5। अब देखिए 8-3 इज 5, 5/5 कॉमा 21-6, ये देखिए 1 यहाँ से गया तो ये गया 15 अपॉन 5, तो ये 5×3=5, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या आएंगे इसके, यहाँ पे लिख लेते कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1.3। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1.3 आंसर इज करेक्ट। मैं इसको दिखा नहीं पा रही हूँ, वेयर इज माई फिंगर, कहाँ गया, अभी भी नहीं दिख रहा, सॉरी, आप आंसर को चेक कर लेना,
1.3, ठीक है, आंसर आ रहा है कोऑर्डिनेट्स 1.3। बस यही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। आई होप आपको समझ में आए, बहुत 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 ही इजी एक्सरसाइज है। थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा लास्ट के क्वेश्चंस में, जो कि मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर नहीं भी पसंद आई है तो भी कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए, ताकि मैं इसमें अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूँ। और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि जितने भी लोग हैं वो और कनेक्टेड होते जाएं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।